YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में DigiPay के द्वारा पे आउट कैसे करेंगे, विड्रॉ अमाउंट को पे आउट कैसे करेंगे, अपने अकाउंट में सेटलमेंट कैसे करेंगे बिना चार्ज के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पे आउट करके दिखाने जा रहा हूँ। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दोस्तों आपको CSE से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों, आपको DigiPay न्यू अपडेटिंग ऐप में लॉगिन हो जाना है। दोस्तों, मैं यहाँ लॉगिन हो गया हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है पे आउट का ऑप्शन ऊपर में ही, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका बैंक डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगा। बैंक डिटेल मिलने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अमाउंट डाल देना है। ये दोस्तों मैं अमाउंट डाल लेता हूं। मेरा अमाउंट देखिए 2806 रुपया है। तो दोस्तों 100 रुपया आपको DigiPay में रखना होगा, तभी सेटलमेंट होगा, तभी पे आउट होगा। तो चलिए मैं 2700 रुपया डाल लेता हूं। 2700 रुपया डालने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, IMPS और NEFT। तो यहाँ दो ऑप्शन, एक ऑप्शन में दोस्तों आपको चार्ज लगेगा, एक ऑप्शन में चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, IMPS और NEFT। मैं यहाँ दोस्तों NEFT को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि NEFT में कोई चार्ज नहीं लगता। IMPS करेंगे तो 5 रुपया से लेकर के 10 रुपया का चार्ज लगेगा। तो दोस्तों मैं NEFT सेलेक्ट कर लिया। इसमें दोस्तों थोड़ा लेट से अमाउंट आता है अकाउंट में, तो चलिए मैं NEFT को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ बॉक्स पर टिक करके आपको नीचे स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए बॉक्स पर टिक कर दिया हूँ। अब दोस्तों स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना स्कैनर डिवाइस को सेलेक्ट कर लेना है। तो मोरफो है मेरा, तो मोरफो सेलेक्ट कर लिया हूँ। करते ही दोस्तों आपके फिंगर स्कैनर डिवाइस में लाइट जलेगा, तो आपको फिंगर अपना लगा देना है। लगाते ही दोस्तों देखिए यहाँ आपको वेट करना है। देखिए दोस्तों ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखिए मेरे DigiPay में 106 रुपया 45 पैसा बच गया। ये ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों ये मेरा अमाउंट पे आउट हो चुका है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ नीचे देखिए दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कॉन्टैक्ट और दूसरा है प्रिंट का। तो आप यहाँ इसे प्रिंट पर क्लिक करके आप इसे दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर कनेक्ट करेंगे, तभी ये प्रिंट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। नहीं तो आपको देखिए प्रिंट पे क्लिक करते हैं, देखिए प्रिंटर नॉट कनेक्टेड। आपको प्रिंटर कनेक्ट करके प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार से आप DigiPay का अमाउंट पे आउट कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको अमाउंट को विड्रॉ कैसे करेंगे, बैलेंस इंक्वायरी कैसे करेंगे, मिनी स्टेटमेंट कैसे करेंगे, सभी के ऊपर आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।